हेलो एवरीबॉडी। तो द स्टोरी ऑफ माय लाइफ हेलन केलर चैप्टर 5 शुरू करते हैं। इस चैप्टर में नॉवेल की राइटर 1887 की ऑटम में कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करती हैं। उसके अनुसार टीचर के आने के बाद अचानक उसकी आत्मा, उसका सोल जागृत हो गया, जाग उठा। उसने कई चीजों के नाम पर और उनके उपयोग के सब्जेक्ट में काफी कुछ जाना। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने की उसकी लालसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिस चीज ने हेलन को सबसे ज्यादा खुशी मिली वो ये थी कि उसकी टीचर ने उसकी पहचान नेचर से करवाई, प्रकृति से करवाई। वो उन अलग अलग सुंदर फूलों, प्लांट्स, ट्रीज को पहचानने लगी थी उसके बगीचे में जो लगे हुए थे। वो डिफरेंट फ्लावर्स की स्मेल को भी अलग अलग पहचानने लगी। इस बात ने उसे सबसे ज्यादा खुशी दिलाई और अपने अंदर एक सुखद परिवर्तन, एक हैप्पी चेंज होता उसने दिखाई दिया। वो नेचर के कल्याणकारी रूप की बहुत बड़ी फैन हो गई थी। लेकिन फिर उसे नेचर के एक दूसरे साइड का भी पता चला। नेचर सिर्फ सुंदर और दयालु नहीं, वो आक्रामक और विनाशकारी भी होती है। हम कह सकते हैं कि नेचर के दांत और पंजे खून से रंगे होते हैं। एक सुबह वो मिस सलीवन के साथ अपने गार्डन में गई। क्योंकि मौसम अच्छा था इसलिए वो सनलाइट आने तक वहां रुके। नेचर की सुंदरता और खुश मिजाज से उन दोनों ने बगीचे में ही दोपहर का खाना खाने का डिसाइड किया। हेलन टीचर की हेल्प से एक पेड़ पर चढ़कर डालियों के बीच एक जगह पर बैठ गई। सलीवन खाना लाने के लिए चली गई। अचानक गार्डन में चेंज आ गया। तेज हवा चलने लगी और पेड़ इधर से उधर, उधर से इधर झूमने लगे। कुछ पेड़ तो जमीन भी छू रहे थे। हेलन डर गई वो जमीन पर गिर ना जाए। अब वो चाह रही थी कि मिस सलीवन जल्दी से वापस आ जाए। उसके कुछ पल बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से गुजरे लेकिन जल्द ही मिस सलीवन वहां आ गई और उन्होंने हेलन को बचा लिया। इस एक्सपीरियंस के बाद वो बहुत टाइम तक पेड़ पर नहीं चढ़ी। लेकिन स्प्रिंग यानी कि बसंत की ऋतु में वो किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ी। तब मिमोसा की मधुर गंध ने, वो खुशबू से उसे आकर्षित किया। उसे मालूम था कि ये पेड़ उसके गार्डन में लगा था। खुशी के मारे वो पेड़ की ओर चल पड़ी और थोड़ी कोशिश करके उस छोटी सी जगह पर बैठ गई जिसे किसी ने इतना पहले बनाया था कि वो अब पेड़ का एक हिस्सा ही बन गया था। उसे इस सफलता पर बहुत खुशी हुई। धीरे-धीरे एक नई जिंदगी के दरवाजे उसके लिए खुल रहे थे।